वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एलईडी ट्यूबलाइट बनाना सिखाएंगे बिल्कुल फ्री में, यानी आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा और आपकी ट्यूबलाइट बन के तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी ट्यूबलाइट है, जो 20 वाट की ट्यूबलाइट है, इसे हम रिपेयर करना सिखाएंगे आपको। इसके लिए हम इसे सबसे पहले सीरीज में लगा के चेक कर लेंगे। ऐसे तो ये जल नहीं रही थी, तो आपको हम दिखा देते हैं सीरीज में इसे टेस्ट करके। सारी लाइटें जो है चेक करने के लिए सीरीज का यूज करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सीरीज बोर्ड बनाना भी सिखा देंगे। तो सीरीज में हमने इसको कनेक्ट कर लिया है, हमने इसको ऑन किया तो ये जली नहीं, तो हम इसका चेक कर लेते हैं क्या हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो मल्टीमीटर में देखिए, ये हमारा हमने स्विच ही नहीं ऑन किया है। देखिए ये ट्यूबलाइट भी नहीं जल रही है और ये हमारा 251 वोल्ट आ रहा है, यानी सप्लाई तो जा रही है। अब इसका ड्राइवर देखते हैं क्या कंडीशन है ड्राइवर की। तो हमने प्लग निकाल दिया है और सीरीज को डिसकनेक्ट कर लेते हैं। जब भी आप इस तरह का मेंटेनेंस करिए तो सीरीज बोर्ड जरूर बना लीजिए। ड्राइवर को हमने ओपन कर लिया है और इसको हम चेक कर लेते हैं। हम जो है ज़्यादातर करके अगर रिपेयर लाइट बनाना होता है, और अगर रिपेयर लाइट हमारी जो है बनाना है वो डैमेज है, पीछे से फटा होता है, तो हम पीछे से ही उसको जो है उसका ऑपरेशन कर लेते हैं एक तरह से, और वहीं से हम इसके ड्राइवर को निकाल लेते हैं। ये एलईडी स्प्लिट स्ट्रिप जो होती है उसको नहीं निकालते हैं, क्योंकि उसको निकालने में थोड़ा झंझट होता है, इसलिए हम पीछे से ही निकाल लेते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सीरीज में हमने कनेक्ट कर लिया और एसी वोल्टेज तो यहाँ आ रहा है और इसके फ्यूज के बाद नहीं आ रहा है। देखिए, हम ऊपर तो हमारा आ रहा है, नीचे जो फ्यूज से होकर के जाता है वो नहीं आ रहा है, यानी जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं सब उसमें हमको कमी लग रही है। देखिए, रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, अभी आपको नज़दीक से दिखाते हैं। रेजिस्टेंस तो आप नहीं समझे होंगे, तो फिर देख लीजिए, आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। ये हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, ये जो दिख रहा है, दो दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस लगे होते हैं। हर एक एलईडी लाइट, कोई भी हमारा जो है पीसीबी होती है, तो उसके सबसे पहले जो है लगता है वो फ्यूज लगता है, यानी कम ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो जैसे 20 ओम, 25 ओम, 50 ओम, यानी 100 ओम से कम के रेजिस्टेंस हम लगा लेते हैं। जितना कम का रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही ड्राइवर हमारा प्रोटेक्ट रहेगा। देखिए, इसको हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी लगा करके, कोई बीप नहीं, कोई नंबर नहीं आ रहा, कोई बीप नहीं आ रहा है, यानी कोई साउंड नहीं है। अब हम इसको जो है रिप्लेस कर लेंगे, और रिप्लेस करके, और हमने रिप्लेस कर लिया। देखिए, यहाँ रिप्लेस नहीं किया, अभी निकाल दिया। ये हमारा जो है, देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस है, और इसकी जगह देखिए हम क्या लगाने वाले हैं, यानी 1 रुपये भी खर्च नहीं करेंगे। और हम जो है, देखिए, ये जो हमारा पतला तार आपको अगर मिल जाए तो उस पतले तार का आप जम्फरिंग कर दीजिए। जम्फर तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो हम जो है इस पतले तार का जो है फैन बाइंडिंग का हमारे पास वायर है, अगर आपके पास ये नहीं है तो केबल से पतला तार निकाल लीजिए आप, एकदम सिंगल वायर, सबसे जो हल्का और पतला होता है उसमें से निकाल करके, और उससे आप जम्फरिंग कर दीजिए, वो आपका फ्यूज का काम करेगा। नहीं, सिंगल वायर से ही जम्फरिंग करना है आपको, डबल ट्रिपल वायर नहीं लगाना है। तो जम्फरिंग करने का तरीका समझ लीजिए कि अगर आपके पास फैन बाइंडिंग का 35 नंबर, 34 नंबर जो भी है अगर तार है तो उससे कर दीजिए, नहीं है तो आप एक रुपये, 2 रुपये मीटर वाला तार लीजिए, उससे आप जो है कापर का निकालिए, थोड़ा एक तार निकालिए, उससे जम्फरिंग कर दीजिए। हमने कर दिया है और मल्टीमीटर में देखिए कंटिन्यूटी भी बताना शुरू कर दिया। अब हमारा ये सही हो चुका है। अब सही है कि नहीं, अभी तक तो फ्यूज तो मेरा सही हो गया, इसके बाद हम आगे ड्राइवर में कोई कमी है कि नहीं। देखिए, हमने पतला तार लगाया है, वो तो बारीक तार है, वो हल्का हल्का दिख रहा है। अब हम इसको जो है टेस्ट करेंगे लगा करके, सीरीज से हम इसे चेक कर लेते हैं, ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो आगे समस्या होगी। देखिए, हमारा जो है एलईडी ग्लो कर गई, जल गई, यानी हमारी ट्यूबलाइट ओके है, बस इसमें फ्यूज ही खराब था।
और हमने 1 रुपये भी खर्च नहीं किया और हमारी ट्यूबलाइट बन के तैयार हो गई। अब हम इसे असेंबल कर लेते हैं फटाफट, जो है हमने पीछे से ही, इसलिए हम पूरी प्लेट नहीं निकालते हैं, और पीछे से ही अगर टूटी फूटी नहीं एलईडी है तो ही हम जो है इसका जो है एलईडी स्ट्रिप निकालते हैं, नहीं तो हम जो है पीछे से ही इसे काट करके और ड्राइवर निकाल करके रिपेयर कर लेते हैं। हमने सब कुछ लगा लिया है, अब हम इसे सीधे सीधे मेन सप्लाई से लगाते हैं। हमने सीरीज से चेक कर लिया था, मेन सप्लाई से लगा कर देख लेते हैं क्या कंडीशन है इसकी। तो जलना चाहिए क्योंकि हमने सब कुछ सही कर दिया, देखिए जलने लगा एकदम, हमारी लाइट जो है फ्री में बिना पैसे खर्च किए बन गई है। आप भी इस तरह से बनाना चाहते हैं तो लगातार हमसे जुड़े रहिए। ओके, धन्यवाद।